हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पलकिन एजुकेशनल डेस्क। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पलकिन एजुकेशनल डेस्क। आई एम पलकिन चौधरी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज अ साइंटिस्ट एंड अ फिलोसोफर नेम एरिस्टोटल। सो वी विल स्टार्ट टुडे एंड वी विल स्टडी अबाउट एरिस्टोटल टुडे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक एंड ग्रैब सम नॉलेज अबाउट एरिस्टोटल। सो लेट्स गो। सो लेट्स स्टार्ट विद एरिस्टोटल। एरिस्टोटल अ ग्रीक फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट। एरिस्टोटल एक यूनानी दार्शनिक और साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक थे। कौन? एरिस्टोटल एक यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। सो लेट्स सी सम पॉइंट्स अबाउट एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वॉज बॉर्न इन 382 BC ऑन द मैसिडोनियन कोस्ट। अरस्तु का जन्म, एरिस्टोटल को बोलते हैं अरस्तु। अरस्तु का जन्म 382 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया तट पर हुआ था। देन सेकंड पॉइंट इज हिज फादर वाज फिजिशियन टू द किंग ऑफ मैसेडोनिया। इट मींस एरिस्टोटल के पिताजी मैसेडोनिया के राजा के वैद्य थे। देन अवर थर्ड पॉइंट इज एज हिज फादर वाज अ फिजिशियन टू द किंग, एरिस्टोटल गैदर्ड ह्यूज नॉलेज ऑफ द वर्किंग ऑफ स्टेट अफेयर्स। क्योंकि उनके पिता राजा के चिकित्सक थे, फिजिशियन मतलब चिकित्सक थे वो राजा के, एरिस्टोटल गैदर्ड ह्यूज नॉलेज ऑफ द वर्किंग ऑफ स्टेट अफेयर्स। अरस्तु ने राज्य के मामलों के कामकाज का बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त किया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट एरिस्टोटल वुड फॉलो हिज फादर्स प्रोफेशन एंड देयर बाय बिकम एन एमिनेंट फिजिशियन। यह उम्मीद करी गई थी कि अरस्तु अपने पिता के पेशे का अनुसरण करेगा एंड देयर बाय बिकम एन एमिनेंट फिजिशियन और इस तरह एक प्रख्यात चिकित्सक बनेगा। जैसे कि उसके पिताजी थे, ऐसा ही लोगों ने सोचा था कि वो भी एक प्रख्यात चिकित्सक बनेगा क्योंकि उसके पिताजी भी चिकित्सक थे, फिजिशियन थे। देन अवर नेक्स्ट पॉइंट इज द होप्स वर शैटर्ड व्हेन ही डिक्लेयर्ड टू जॉइन प्लेटोज अकेडमी। लोगों की उम्मीदें जब बिल्कुल टूट गई जब एरिस्टोटल ने घोषणा करी कि वह प्लेटो की अकेडमी में शामिल होएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट इज एरिस्टोटल जॉइंड प्लेटोज अकेडमी एट द एज ऑफ 17 इयर्स वेयर ही स्टडीड फॉर 20 लॉन्ग इयर्स। इट मींस अरस्तु 17 साल की उम्र में प्लेटो की अकेडमी में शामिल हो गए थे जहां उन्होंने 20 वर्ष तक अध्ययन करा। देन अवर नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट इज Aristotle's seriousness towards his studies made it obvious that he would become the head of the academy after the death of the teacher Plato. Means अपने अध्ययन के प्रति अरस्तु की गंभीरता ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह अपने शिक्षक प्लेटो की मृत्यु के बाद अकेडमी के प्रमुख बनेंगे। Then our next eighth point is In 347 BC, after death of Plato, Aristotle thought of leaving Athens. 347 ईसा पूर्व में अरस्तु ने अपने शिक्षक प्लेटो की मृत्यु के बाद एथेंस को छोड़ने का विचार किया। Then our next point is he kept himself out of Athens for 13 years during which he visited the courts of Hermes and Mytilene. It means उसने खुद को 13 साल तक एथेंस से बाहर रखा जिस दौरान उसने हर्मीज और मिटाइलीन के कोर्ट का दौरा किया, अदालतों का दौरा किया। Then our next 10th point is Aristotle also studied the constitution of the different countries during this period. It means इस टाइम अरस्तु ने विभिन्न देशों के संविधान का भी अध्ययन किया। Then our next point number 11 is in 342 BC Aristotle was invited to Macedonia to become the teacher of young Alexandria. Aristotle को Alexandria के शिक्षक बनने के लिए Macedonia में आमंत्रित किया गया था। Then our next point is Aristotle left Macedonia after the death of Alexandria in 322 BC. It means 1322 ईसा पूर्व में Alexandria की मृत्यु के बाद अरस्तु ने Macedonia को छोड़ दिया था। Then our next point is Aristotle also died in Chalcis in 322 BC. और Alexandria की मृत्यु के बाद जब अरस्तु ने Macedonia को छोड़ दिया था उसके बाद 322 ईसा पूर्व में ही अरस्तु की भी मृत्यु हो गई थी चेल्सीज में। टुडे वी हैव डिस्कस सम पॉइंट्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ एरिस्टोटल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू ऑल। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड नेक्स्ट पार्ट विल कम सून। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू ऑल एंड टेक केयर। Please like, share, comment and subscribe to the channel. Thank you all.